बागपत में पार्षद पति की दबंगई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पार्षद पति आशुतोष पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि चौकी इंचार्ज मानवेंद्र सिंह कुछ सिपाहियों के साथ इलाके में चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने पार्षद पति को बाइक पर तीन लोगों को बैठाने पर पकड़ लिया। जब चौकी इंचार्ज पार्षद पति का चालान काटने लगे तो पार्षद पति उन पर ही भड़क उठा। उसने बाइक को जब्त करने पर पुलिस कर्मियों को ही धमकी दे डाली। वहीं पार्षद पति की दबंगई देख मौके पर मौजूद सिपाही हाथ जोड़ने लगा। इसी दौरान मौके पर मौजूद किसी शख्स ने दबंगई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। चाबी काट देना, अब ठीक है चाबी काट देना, चाबी कैसे काट देना, चाबी ना काट, चाबी लग रही, चाबी ना निकाल, चाबी ना निकाल दो, चाबी ना निकाल दो, नंबर गाड़ी का नंबर बता, नहीं रुको, नहीं रुको, नहीं रुको, नहीं रुको, मारेगा, मारेगा, मार, 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 मारेगा, बाबूजी तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, तुम्हारे पांव पूछे, नंबर बता दे मेरे को, हैं, वहीं सीओ ने बताया कि पार्षद पति की बाइक को सीज कर दिया गया है और जो शख्स नियमों का पालन नहीं करता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक आशुतोष सभासद है जो कल वाहन चेकिंग हो रही थी, वो बिना हेलमेट के तीन सवारी बाइक से जा रहा था। चौकी इंचार्ज ने उसको रोका, उसकी गाड़ी के चलान किया, सीज किया, इस पर उसने हंगामा कर रहा किया था, उस गाड़ी की भी सीज कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति जो ट्रैफिक नियमों को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे किसी भी पद पर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल पार्षद पति के खिलाफ तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से पार्षद पति ने पुलिस कर्मियों के साथ व्यवहार किया है उसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।